हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ लीजेंड्रे जो फंक्शन है या लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या होती है और लीजेंड्रे फंक्शन क्या होता है। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है और वो पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूव रोड्रिग्यूज फार्मूला फॉर लीजेंड्रे पॉलिनोमियल PNX एंड आपको फिर यहाँ पे P1X, P2X, P3X, P4X इन सब की वैल्यूज पूछी जाती है। या कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि प्रूव दैट दिस, ये जो फार्मूला होता है ये रोड्रिग्यूज फार्मूला होता है। सो ये कैसे करते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि इससे पहले जो मेरे पुराने वीडियोज हैं लाइक बेसल फंक्शन पे रिकरेंस रिलेशन लिया था, देन यहाँ पे मैंने बेसल फंक्शन पे जो रिकरेंस रिलेशन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, देन ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, इन सभी के यहाँ पे वीडियोज हैं वो आईटेप पे आ रहे हैं। स्टूडेंट मेरे पुराने और भी वीडियोज है लाइक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, BSc है और भी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, सो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं और यहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट आ रही है स्टूडेंट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें सो दैट मेरे आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। और स्टूडेंट लाइक जरूर करें, लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। सो देखिए यहाँ पे लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये हमारी लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो मैं आपको बता चुका हूँ सीरीज सॉल्यूशन के अंदर। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो इस टाइप का होता है C1PNX + C2QNX। सो यहाँ QNX जो होता है वो लीजेंड्रे फंक्शन होता है सेकंड काइंड, और यहाँ पे PNX जो होता है वो क्या होता है लीजेंड्रे पॉलिनोमियल भी बोलते हैं इसको, ये होता है राइट, है ना, ये मैं बता चुका हूँ, इसका प्रूफ बता चुका हूँ, आप यहाँ पे आईटेप में मेरे जो सीरीज सॉल्यूशन की वीडियोज है वहां जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़ा ही बच्चों को एग्जाम में पूछा जाता है और इस पे बेस्ट क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे वैसे पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव रोड्रिग्यूज फार्मूला, या फिर आपसे पूछा जाएगी प्रूव द रोड्रिग्यूज फार्मूला प्रूव डेट्स, है ना। तो अल्टीमेटली आपको क्या कहाँ से स्टार्ट करना है, सो हम देखेंगे यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे अच्छा ये बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि यहाँ पे लेबनीज थ्योरम होती है। लेबनीज थ्योरम जो होती है वो डिफरेंशिएशन के अंदर यूज होती है, लाइक हम किसी भी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, तो यू इन टू वी से होता है। लाइक अगर मैं दो बार करना चाहूं, तीन बार करना चाहूं या एन टाइम्स करना चाहूं तो उसके लिए थ्योरम लगती है, दिस थ्योरम इज कॉल्ड लेबनीज थ्योरम, है ना। ये डेरिवेटिव एन डेरिवेटिव निकालने के लिए, दो फंक्शन का एन डेरिवेटिव किस तरह से निकालते हैं वो यहां पे सिखाया जाता है ना। तो बिल्कुल ये बाइनोमियल थ्योरम टाइप की होती है। कैसे करते हैं देखिए यहां पे क्या करेंगे हम, इसका हम एन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे इसको छोड़ेंगे प्लस एन सी वन, फिर इसका एक बार कम हो जाएगा लाइक एन माइनस वन, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इसका डेरिवेटिव बढ़ जाएगा, फिर एन सी टू, इसका एक कम और हो जाएगा, देन इसका डी स्क्वायर वी हो जाएगा, इस तरह से चलता रहेगा, लास्ट में ये क्या हो जाएगा डी पावर जीरो हो जाएगा, मतलब यू अकेला हो जाएगा और यहाँ पे डी पावर एन हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या होता है लेबनीज थ्योरम होता है और ये लेबनीज थ्योरम यहाँ यूज होने वाली है। तो कैसे यूज होने वाली है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन पावर एन, मैं इसको यहाँ पे लूंगा, है ना। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार मैं जैसे इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो स्टूडेंट क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर पावर एन माइनस वन इनटू ये एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ x square minus 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, दोनों तरफ x square minus 1 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट तो ये हो जाएगा dy/dx, और इधर करूंगा तो ये आ जाएगा n, ये 2x एक साथ लिख देता हूं स्टूडेंट, तो ये आएगा 2nx और ये हो जाएगा x square minus 1 power n, क्योंकि हमने x square minus 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो यहां x square minus 1 आ जाएगा और यहां x square minus 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो पावर n हो जाएगा। और स्टूडेंट हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा ये x square minus 1 dy/dx और ये हो जाएगा आपके पास 2nxy। ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है ना, यहां पे ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे यहां पे, नाउ डिफरेंशिएट, नाउ हम क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू x n प्लस 1 टाइम, नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x n प्लस 1 टाइम्स, है ना। हम क्या करेंगे इसको n प्लस 1 टाइम्स दोनों तरफ इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। अच्छा, n प्लस 1 टाइम डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डी एन प्लस 1, मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे, क्या लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 1 और मैं इसको लिख देता हूं y डैश, थोड़ा ठीक रहेगा ना, बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, और यहां भी लिख देता हूं डी एन प्लस 1 और यहां लिख सकता हूं मैं आपके सामने 2xy, है ना, 2nxy, है ना। अब ध्यान देने की जरूरत है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लेबनीज थ्योरम का कंसेप्ट लगता है ना। तो देखिए यहाँ पे ये एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, मैं इसका डी एन प्लस वन वाई वन, मैं इसको y1 लिख दूं, ज्यादा अच्छा है ना, है ना। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो dy/dx है, इस dy/dx को मैं क्या लिख रहा हूँ, इस dy/dx को मैं लिख रहा हूँ y1, ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत है, ओके। सो मैं क्या करूंगा, इसका मैं n प्लस 1 टाइम करूंगा और इस x स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ा प्लस, अब क्या होगा भैया, एक कम करोगे, है ना, y1, फिर एक बार इसका डिफरेंशिएशन होगा किसका, x स्क्वायर माइनस 1 का, फिर हम क्या करेंगे, एक और बार कम होगा इसका किसका, y1 का, है ना,
फिर यहाँ पे दो बार होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का। पर आपको बताना चाहता हूँ कि जो अच्छा मैंने एक चीज़ और लिखना भूल गया, मैं थोड़ा सा इसको वापस सही से लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या होगा, ये एन प्लस वन है तो यहाँ पे आएगा एन प्लस वन सी वन, है ना, सी वन आएगा बिकॉज एन प्लस एन है ना, तो यहाँ पे एन की जगह एन प्लस वन है तो एन प्लस वन आ जाएगा ना। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ एन टाइम होगा इंटू वाई वन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना। नाउ अब क्या करेंगे, प्लस ये आएगा एन प्लस वन सी टू, डिफरेंशिएशन एक बार कम करेंगे, है ना, इंटू वाई वन, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा दो बार किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वन। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इस एक्स स्क्वायर माइनस वन का दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार करेंगे तो टू एक्स आएगा, दूसरी बार में टू आएगा, और तीसरी बार करेंगे क्योंकि अगली टर्म में क्या आएगा, यहाँ पे एन माइनस टू हो जाएगा, यहाँ डी क्यूब हो जाएगा, पर जैसे हम डी क्यूब करेंगे तो इस वैल्यू की आ जाएगी जीरो, तो उसको आगे की टर्म को लिखने की आवश्यकता नहीं है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टू एन है इसको तो हम बाहर निकाल देते हैं स्टूडेंट, है ना, वही सेम यहाँ काम करना है, डी एन प्लस वन वाई इंटू एक्स हो जाएगा, फिर क्या होगा स्टूडेंट एन प्लस वन सी वन, है ना, यहाँ आएगा डी एन वाई और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। पर जैसे हम आगे एक और टर्म लेंगे तो यहाँ पे अगली टर्म में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ डी एन माइनस वन हो जाएगा, यहाँ डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, पर डिफरेंशिएशन टू टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होता है जीरो, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, ये वन है और एन प्लस वन टाइम और हो रहा है, तो ये एन प्लस वन और वन कितना हो जाएगा, एन प्लस टू हो जाएगा, है ना, ये ध्यान देने की जरूरत है ना, क्योंकि ऑलरेडी वन टाइम डिफरेंशिएशन है और एन प्लस वन और करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन प्लस टू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिख देता हूं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम आगे लिख देते हैं प्लस एन प्लस वन सी वन, एन प्लस वन सी वन की वैल्यू किसके बराबर होती है, एन प्लस वन के बराबर होती है, और इसको हम एक बार करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, वाई एन प्लस वन हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये टू एक्स आएगा, प्लस इस एन प्लस वन सी टू की वैल्यू क्या होती है, एन प्लस वन एन डिवाइडेड बाई टू, और यहाँ पे इस काम करेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा, ये वाई एन हो जाएगा, और यहां पे इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर आएगा, ये टू के बराबर आएगा, राइट। इसी टाइप से हम यहां भी करने वाले हैं, तो ये आएगा टू एन, और ये यहां पे कुछ भी नहीं है, तो ये एन प्लस वन टाइम डिफरेंशिएशन होगा, तो ये आएगा वाई एन प्लस वन इंटू एक्स प्लस एन प्लस वन इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट, है ना, और यहां पे इसका एक डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा वाई एन, और इसका तो वन हो जाएगा। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू प्लस, अब देखो ये टर्म और वाई एन प्लस वन की ये टर्म, है ना, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, कितना टर्म आ रहा है देखो यहाँ पे, ये आएगा आपके पास टू एन एक्स, है ना, टू एन एक्स प्लस कितना आएगा यहाँ पे टू एक्स, और ये आएगा माइनस का टू एन एक्स इंटू वाई एन प्लस वन, है ना, तो ये टू एन एक्स है, टू एन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे ये टू से ये टू क्या हो रहा है स्टूडेंट, कैंसिल हो रहा है, तो प्लस ये आएगा ये एन, है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एन स्क्वायर प्लस एन, और यहाँ इधर माइनस होगा तो ये माइनस एन माइनस वन इंटू वाई एन इज इक्वल टू जीरो होगा। मैंने इस टर्म को इस तरफ ला के लिख दिया स्टूडेंट, इसको हम जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको मैं लिख सकता हूँ डी एन वाई, एक्चुअली यहाँ पे वाई एन लिख देता हूँ, ये डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपके पास आएगा ये टू एक्स डी वाई एन अपॉन डी एक्स प्लस, यहाँ पे ये एन से एन क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे ये आपके पास आ रहा है एन स्क्वायर माइनस वन और वाई एन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन होगी स्टूडेंट, ये वाली इक्वेशन कौन सी होती है हमारे पास, ये वाले होते, एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पे, एन इंटू एन प्लस वन आना चाहिए हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिस्टेक हुई, ये एन है, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सो यहाँ पे ये टू एन, ये क्या होगा टू एन अंदर की तरफ मल्टीप्लाई होती है, टू एन आएगा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है उस तरफ जाएगी, तो ये ट्वाइस है, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा एन इंटू एन प्लस वन वाई एन बचेगा, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, सो यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस का n इंटू एन प्लस वन। अब स्टूडेंट इस इक्वेशन को मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ये हटाना पड़ेगा, सो ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा तो क्या आएगा, और ये माइनस को मैं अंदर ले लेता हूँ, जैसे माइनस को अंदर लूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा इस इक्वेशन को, जैसे माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई एन अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, सो दिस इज माइनस का टू एक्स डी वाई एन अपॉन डी एक्स प्लस ये आ जाएगा एन इंटू एन प्लस वन वाई एन इज इक्वल टू जीरो। और स्टूडेंट ये जो है बिल्कुल ही लीजेंडरी इक्वेशन टाइप की है, है ना, तो ये थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आपको यहाँ पे, है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, लेट वाई एन इज इक्वल टू जेड, ये वाई एन को हम क्या ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं ना, बाद में थोड़ा सा क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत नहीं आएगी, सो ए डी टू
यहाँ पे आएगा z अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास जीरो आएगा। देन स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे आगे देखिए आप लोग, यहाँ पे इसके बाद जो अगली जो हमारी टर्म आएगी है ना, जिसे हम ये करेंगे, अब जानते हैं ये जो इक्वेशन होती है हमारी क्या होती है, लीजेंडर इक्वेशन होती है, इसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है सी पी एन एक्स होता है ना, जेड इज इक्वल टू क्या करेंगे सी पी एन एक्स, ये इसका क्या आएगा सोल्यूशन आएगा। पर आपको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, सी की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे ध्यान दीजिए मैं थोड़ा सा आगे इसको लेके चलता हूँ है ना, तो मुझे यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमने z को yn लिया था, तो हमने वापस yn ले लेंगे, तो yn इज इक्वल टू c pnx, और मैं आपको बता दूँ yn का मतलब होता है इसका n टाइम डिफरेंशिएशन dxn इज इक्वल टू c pnx, और हम क्या करेंगे यहाँ पे अब जहाँ पर x है वहाँ पे हम क्या करेंगे वन पुट करेंगे, सो dn y dxn जहाँ पर x है वहाँ क्या रखा हमने वन, तो ये आएगा c pn1, और स्टूडेंट हम जानते हैं pn1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है वन होती है। एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं, आप बोलोगे सर आप करना क्या चाह रहे हो, भैया ये आपका आंसर आ गया ऑलमोस्ट, ये आपका आंसर है ना, ये हमारा क्या है आंसर है, पर हमें c की वैल्यू निकाल लेना, तो जो भी हम आगे जद्दोजहद करने जा रहे हैं वो c की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं, तो ये जो pn1 है इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे यहाँ पे वन, तो ये आएगा डी एन वाई है ना डी एक्स एन ठीक है एट x इज इक्वल टू वन, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी c के बराबर आएगी, ये थोड़ा सा याद रखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर वन दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब हम इसकी वैल्यू एक तरीके से और निकालेंगे, फिर जो भी उसके बराबर वैल्यू आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी c, तो वहां से हमारे पास c की वैल्यू मिल जाएगी, वो c की वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा ना। सो देखिए हम एक और तरीके से यहाँ पे c की वैल्यू निकालेंगे, सो हम जानते हैं स्टूडेंट क्या होता है y इज इक्वल टू हमने क्या लिया था x स्क्वायर माइनस वन पावर n लिया था राइट। अब हम क्या करेंगे इसको x स्क्वायर माइनस वन पावर n लिया है तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस वन पावर n x प्लस वन पावर n, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल है ना, चाहे आप चाहो तो इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो है ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो a माइनस b a प्लस b इंटू a माइनस b। नाउ अब क्या करेंगे यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x बाय लेबनीज थ्योरम है ना n टाइम्स है ना, सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे दोनों तरफ डी एन वाई लगाने वाले हैं ना, सो यहाँ पे आएगा डी एन एक्स प्लस वन पावर एन एक्स माइनस वन पावर एन ठीक है। सो जैसे मैं इसको करूँगा तो स्टूडेंट ये तो मेरा क्या हो जाएगा वाई एन हो जाएगा है ना, क्योंकि एन टाइम डिफरेंशिएशन करती है वाई एन के बराबर हो जाएगा। नाउ अब लेबनीज थ्योरम से इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा हम क्या करेंगे एक्स प्लस वन पावर एन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे है ना, तो डी एन या फिर मैं ऐसा लिख दूँ पहले या पहले ऐसा लिख दूँ तो डी एन एक्स माइनस वन पावर एन x प्लस वन पावर n को छोड़ा फिर हमारे पास आएगा एन सी वन डी एन माइनस वन एक्स माइनस वन पावर n, देन उसके बाद यहाँ आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वन पावर n है ना, फिर चलता जाएगा नेक्स्ट आएगा एन सी टू डी एन माइनस टू एक्स माइनस वन पावर n है ना, फिर इसका आएगा डी स्क्वायर एक्स प्लस वन पावर n, ऐसा चलता जाएगा लास्ट में हमारे पास जो है टर्म मिलेगी वो मिलेगी एक्स माइनस वन पावर n डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस वन पावर n राइट, ये हमारे पास वैल्यू मिलेगी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट है ना, ये हमारे पास वैल्यू आएगी, या आप एक काम करो इस वाई एन को आप ऐसा लिख दीजिए ज्यादा अच्छा है डी वाई एन अपॉन डी एक्स एन है ना, सो डी वाई एन अपॉन डी एक्स एन। अब क्या करेंगे जहां पर भी x है वहां क्या रख देते हैं वन रख देते हैं ना। अब ध्यान देने की जरूरत है कि मैं आपके सामने एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं कि लाइक इधर देखिए आप लोग डी स्क्वायर एक्स माइनस वन की पावर थ्री बाई चांस ऐसा हो बाई चांस ऐसा है ना, खैर अभी पावर सेम कर दो अगर बाई चांस मैं टू कर दूं है ना तो क्या होगा एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू आगे आएगा फिर एक और बार करेंगे तो टू हो जाएगा है ना, अगर मैं थ्री करूं और यहाँ थ्री हो तो क्या होगा ये एक बार थ्री आगे आएगा स्क्वायर होगा है ना एक्स माइनस वन का स्क्वायर होगा फिर एक और बार करेंगे तो सिक्स एक्स माइनस वन होगा फिर एक और बार करेंगे तो सिक्स दैट इज थ्री फैक्टोरियल आएगा ना। तो स्टूडेंट इसका हम जैसे एन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा एन फैक्टोरियल हो जाएगा है ना इनटू यहां पे क्या होगा ये मैं थोड़ा सा बाद में करता हूं चलो n फैक्टर लिख देते हैं अपन फिर x प्लस वन पावर n प्लस यहां पे ध्यान दीजिए n c1 तो n होता है ना। अब देखो मैंने आपको बताया था कि इसको मैं तीन है ये तीन है ना अगर बाई चांस ये थ्री है और ये टू हो बाई चांस ये टू हो तो क्या होगा स्टूडेंट जब इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे है ना तो जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार तो ये आएगा फिर दूसरी बार में क्या आएगा ये आएगा तो यहाँ पे x माइनस वन की टर्म रहेगी राइट। तो जो भी कुछ आएगा अल्टीमेटली यहाँ पे x माइनस वन की टर्म रहेगी है ना। तो जैसे हम x माइनस वन की टर्म रखेंगे तो आगे और भी हमारे पास टर्म आती जाएगी लाइक इसको मैं एक दो बार डिफरेंशिएशन करूंगा ना तो ये आएगा n n माइनस वन x प्लस वन पावर n माइनस टू ऐसे चलता जाएगा यहाँ पे है ना।
ठीक है। सो लास्ट में सब जगह कुल मिला के मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि लास्ट में जितनी भी टर्म्स आएगी उन सभी टर्म में से x माइनस वन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। आप जितनी भी टर्म लिखोगे इसमें से क्या आएगा, x माइनस वन क्या आएगा, कॉमन आएगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जैसे ही हम यहाँ पे डी वाई एन डी एक्स पावर एन x की जगह 1 रखते हैं तो स्टूडेंट जैसे ही x की जगह 1 रखेंगे तो n फैक्टोरियल और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 पावर n, पर बाकी सभी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये ध्यान देने की जरूरत है, मैं आपको फिर से बता दूं, जैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे स्टूडेंट ये n माइनस 1 और ये n है तो यहां पे x माइनस 1 की टर्म आएगी, ऐसे यहां पे भी x माइनस 1 की टर्म आएगी, ऐसे यहां पे सब जगह x माइनस 1 टर्म की आएगी, तो x माइनस 1 टर्म को कॉमन ले लेते हैं, बाकी अंदर जो भी टर्म होगी वो हम लिख नहीं सकते एक्सपेंशन में, तो आप डैश डैश करके दिखा दीजिए। फिर जहां पर भी x है वहां 1 रखेंगे तो स्टूडेंट पूरे ब्रैकेट को क्या कर देगी, 0 कर देगी। तो ये हमारा आंसर आएगा बाय द इक्वेशन नंबर, मैं इसको लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 3, है ना। सो बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, है ना, 2 एंड 3 से यहां से c की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, c की वैल्यू आएगी n फैक्टोरियल 2 पावर n, और ये c की वैल्यू उठा कहां रखेंगे स्टूडेंट, यहां रखेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, मैं एक्चुअली यहां पे लिखता हूं। सो हमारा जो आंसर आएगा स्टूडेंट मैं यहां रख रहा हूं, सो ये वाली जो टर्म आएगी वो आएगी dn y डी एक्स एन इज इक्वल टू सी की वैल्यू आएगी एन फैक्टोरियल 2 पावर एन पी एन एक्स आएगा, और स्टूडेंट ये जो पी एन एक्स है इसकी वैल्यू तो ये डिवाइड होगा तो 1 अपॉन एन फैक्टोरियल 2 पावर एन डी एन अपॉन डी एक्स एन, और स्टूडेंट वाई वाई की वैल्यू हमने कितनी ली थी यहाँ पे, वाई की वैल्यू ये ली थी, वाई की वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ तो एक्स माइनस 1 पावर ये। सो ये हमारा रोड्रिग्स फार्मूला क्या होता है, प्रूव होता है। सो थोड़ा लंबा है बट ये एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे क्वेश्चंस आते क्या है, आगे कभी कभी यहाँ पे क्रैक पूछ लिया जाता है कि आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ P1 P2 P3, है ना, तो हम क्या करेंगे, लाइक जैसे P1 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, जैसे n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, P1x इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 पावर 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1, राइट। अब हम क्या करेंगे इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2x आएगी, और 2 से 2 कैंसिल तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी x, तो यहां पे p1x की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, x के बराबर होती है। ऐसे अगर आपसे पूछे कि भैया आपको n की जगह 2 रखना, लाइक p2x की वैल्यू पूछ ले, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, p2x इज इक्वल टू जहां पर भी n है वहां कितना रखेंगे 2, तो ये 2 फैक्टोरियल आएगा, ये 2 पावर 2 आएगा, और ये आएगा, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 का, तो स्टूडेंट अपन कर लेते हैं इसको, है ना, तो यहाँ आएगा ये 2 और ये 4, तो 4 2 का कितना हो जाएगा 8, और स्टूडेंट मैं एक बार डिफरेंशिएशन करता हूँ इसका, तो डी बाय डी एक्स ऑफ क्या आएगा, यहाँ पे ये 2 अंदर आएगा, सो 2x स्क्वायर माइनस 1, और ये आएगा आपके पास 2x, है ना, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, एक बार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और ये 2 2 4 बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकालते ये 1/2 हो जाएगा, नाउ डी बाई डी एक्स, और इस एक्स को अंदर लेंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, स्टूडेंट इसको एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 3x स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आती है, p2x की वैल्यू आती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे p1 p2 p3 p4 सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस पे बेस्ट कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सप्रेस द आपके पास कोई पॉलीनोमियल दे रखी है इन द लीजेंड्रे पॉलीनोमियल, तो उस पे बेस्ट भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो एक क्वेश्चन लूंगा मैं एंड देन उसके बाद इस टॉपिक को क्या करूंगा यहाँ पे खत्म करूंगा। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मैंने आपको भी बताया था कि जो रोड्रिग्स फार्मूला था हमारे पास, रोड्रिग्स फार्मूला हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी पी एन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पावर एन एन फैक्टोरियल डी बाय डी एक्स पावर एन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे पास रोड्रिग्स फार्मूला था, और यहाँ पे एन की जगह 0 रखेंगे, जैसे एन की जगह 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी, 1 रखेंगे तो ये एक्स के बराबर आएगा, 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी, 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी, 4 रखेंगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी, राइट। अब यहाँ पे होता क्या है, आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ लीजेंड्रे पॉलीनोमियल, तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये जितने भी आपके पास लाइक एक्स पावर 4 है तो पी पावर 4 तक आपको इन सब की वैल्यूज निकालनी होगी, है ना। देन उसके बाद यहां से क्या करना है, 1 की वैल्यू लाइक कॉन्स्टेंट की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, यहां से हम x स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। देखो यहां से x स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, है ना, सबसे पहले क्या करेंगे आप, इसको लिख देंगे p2x, है ना, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और ये 1 को हम क्या लिख सकते हैं, p0x लिख सकते हैं, राइट। ये p0 इधर आएगा तो ये आएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू p0x प्लस 2p2x, देन ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रिलेशन मिलेगा x स्क्वायर का। फिर इसी टाइप से यहां से हम x क्यूब का रिलेशन निकालेंगे, यहां से हम x पावर 4 का रिलेशन निकालेंगे, देन ये सब जो वैल्यू ये उठा के क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो मैं सीधा सॉल्यूशन बता रहा हूं स्टूडेंट यहां पे, सो x पावर 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 बाय 35
पी पावर फोर एक्स प्लस फोर बाय सेवन पी टू एक्स प्लस वन बाय फाइव पी जीरो एक्स, है ना, ये हमारे पास पूरी वैल्यू रखेंगे। देन उसके बाद प्लस थ्री इंटू एक्स क्यूब की वैल्यू, सो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, वन अपॉन फाइव टू, कितना आएगा यहाँ पे पी थ्री एक्स, है ना, प्लस थ्री पी वन एक्स, ये उठा के रखेंगे। देन माइनस का एक्स स्क्वायर लाइक कितना है इसकी वैल्यू, वन बाय थ्री, है ना, देन टू पी टू एक्स, देन प्लस पी जीरो एक्स, ये उठा के रखेंगे। देन प्लस फाइव एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी होती है पी वन एक्स, देन यहाँ माइनस टू, तो माइनस टू इंटू क्या लिख देंगे पी जीरो एक्स, ये वैल्यू रखेंगे हम। देन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना, ये बार ये इसके बराबर चल रहा है, लाइक, है ना, यहाँ पे बता दूँ ये इसकी वैल्यू चल रही है एक्स पावर फोर प्लस थ्री एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू, ये बराबर इसके चल रहा है, राइट। अब बराबर देखो यहाँ पे एट बाई थर्टी फाइव, है ना, सबसे पहले आप देखो पी फोर, पी फोर तो एक ही आ रहा है तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे पी फोर। देन उसके बाद देखिए आप पी थ्री, पी थ्री कहाँ आ रहा है स्टूडेंट, एक तो पी थ्री यहाँ आ रहा है, सिर्फ यहीं आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास सिक्स बाय फाइव पी थ्री एक्स। नाउ देखिए आप पी टू कहाँ आ रहा है स्टूडेंट, एक पी टू यहाँ आ रहा है, एक पी टू यहाँ आ रहा है, तो आप क्या करो यहाँ पे पी टू एक्स को कॉमन निकाल दो, यहाँ लिख दो फोर बाय सेवन, और यहाँ पे पी टू आएगा तो ये आएगा माइनस का टू बाय थ्री पी टू एक्स। फिर हम बात करेंगे पी वन, सो पी वन एक तो यहाँ आ रहा है आपके पास और एक पी वन यहाँ आ रहा है, सो ये आएगा आपके पास नाइन और फाइव, सो नाइन फाइव कितना हो जाएगा यहाँ पे 14p1x, और p0, p0 एक तो यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, तो स्टूडेंट p0 को कॉमन निकालना पड़ेगा, सो यहाँ से आपके पास इसकी वैल्यू 1 बाई फाइव आएगी, देन यहाँ से इसकी वैल्यू माइनस का 1 बाई थ्री आएगी, देन माइनस का 2p0x, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, सो जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर आएगा मैं सीधा लास्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे 8 बाई थर्टी फाइव पी फोर एक्स, देन प्लस 6 बाई फाइव पी थ्री एक्स, देन यहाँ पे आएगा माइनस का 2 बाय 21, ये आएगा आपके पास पी टू एक्स, देन 34 बाय 5 पी वन एक्स, देन माइनस का 32 अपॉन 15 पी जीरो एक्स, ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे लीजेंड्रे पॉलिनोमियल में किसी भी फंक्शन को यहाँ पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो स्टूडेंट इस टाइप के लाइक क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्रेस दिस पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने बताया कि जो रोड्रिग्यूस फार्मूला उसका प्रूफ क्या है, उसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू किस तरह से निकालते हैं और कैसे इस टाइप की पॉलिनोमियल को हम लीजेंड्रे पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट करते हैं। सो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो आने वाला है स्टूडेंट, वो मैं लेके आऊंगा ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, एंड देन उसके बाद हम बात करेंगे रिकरेंस रिलेशन, देन जेनेटिक फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट आता है वो, देन उसके बाद मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और स्टूडेंट बहुत सारे बच्चों के भी इंजीनियरिंग वालों के एग्जाम है सेकंड सेमेस्टर के अंदर, उसके अंदर एक और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर वन डायमेंशन वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन के जो वेरिएबल सेपरेबल वाला मेथड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पे बेस्ट क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो वो भी टॉपिक मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूं। सो अभी मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और मुझे मालूम है कि आपके एग्जाम से पहले मैं सभी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कमेंट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को यहां पे जाके सब्सक्राइब करिए, और लास्ट में जो मेरी प्लेलिस्ट आ रही है उसमें आपके सभी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट बहुत सारे कमेंट करते रहे, सर ये वाला वीडियो नहीं मिल रहा है, वो वाला वीडियो नहीं मिल रहा है, ये टॉपिक नहीं मिल रहा है, प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहां पे हर टॉपिक पे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखा है। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू।